हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और टाइम हुआ है सुबह का और काम मेरे शुरू हो गए हैं, तो पहले कर लेती हूँ मैं जल्दी से बेड सही। और चादर मैंने झाड़ के और फिर से बिछा दी है, और मैं चादर को कर देती हूँ ठीक, और बेड ठीक हो जाएगा मेरा, तो फिर बाकी की साफ़ सफाई भी शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल सर्दियाँ हो गई हैं काफ़ी, तो बस ध्यान रखिए आप सब। और ये मैंने कर दिया है बेड ठीक, मैं लगा देती हूँ जल्दी जल्दी तकिए, क्योंकि सुबह को एक तो काफी काम होते हैं, उधर बच्चों की क्लासेस चल रही हैं तो उधर भी ध्यान रखना होता है मुझे। बच्चे बार बार बुलाते रहते हैं, बीच बीच में कुछ पूछना होता है, कुछ उनको बताना होता है, तो उधर भी ध्यान रखना होता है। और इधर कर लिया मैंने बेड ठीक, तो बिस्तर हो गया है हमारा ठीक, और मैं लगा लेती हूँ जल्दी से झाड़ू। झाड़ू हमारी लग चुकी है और बस लगा देती हूँ मैं जल्दी से पोछा। बस झाड़ू पोछा हो जाए तो तब लगता है कि हाँ, घर साफ हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी कर दिया है बस, क्योंकि पानी के काम करने में तो आजकल बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि पानी में हाथ जाते ही ऐसे लगता है कि पता नहीं, एहसास हो जाता है पूरी सर्दी का। बाकी आप चाहें कुछ भी काम कर लो, तो ये बस लग गया है मेरा पोछा, और मैं पोछा लगा के मुझे जाना है नहाने, तो मैं जाती हूँ मैं जल्दी से पोछा लगा के। ये फ्रेंड्स, मैं नहा के आ चुकी हूँ और घर की सफाई भी हमारी हो चुकी थी, और बस अब मुझे जाना है जल्दी से पूजा करने के लिए, तो मैं चलती हूँ बस पूजा करने। फ्रेंड्स, पूजा भी हमारी हो चुकी है और अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। यहाँ मैंने सॉक्स पहन लिए जल्दी से, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो बस अब मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ जिज्ञासा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिज्ञासा फैमिली व्लॉग्स। तो समय हुआ है फ्रेंड्स सुबह का, और काम सारे मेरे सुबह के हो चुके हैं, और मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आज हमारा है दूध और साथ ही में गोंद के लड्डू, जो कि मैंने अभी जल्दी ही मैं बनाए थे और वीडियो भी बनाया था गोंद के लड्डू पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए और खाइए बना के गोंद के लड्डू इन सर्दियों में, जैसे कि सर्दियाँ काफ़ी हो गई हैं, और जब से बारिश हुई है तब से तो बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ हो गई हैं, और आज भी ऐसी मौसम है, बस धूप तो है नहीं, और ये देखिए बहुत ही सर्दी वाला मौसम है। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ भी इसी तरह का मौसम है या आपके यहाँ धूप निकली हुई है, कि हमारे यहाँ तो काफ़ी दिन हो गए धूप है नहीं। ये देखिए मौसम दिखाती हूँ आपको यहाँ का, ये देखिए कितनी सर्दी है, कोई नहीं दिखाई देता है बाहर, सब अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि अगर धूप होती है तो धूप में तो बैठने का मज़ा आता है, धूप में तो बैठ जाते हैं आके, और सर्दी होती है तो मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। और जैसे कि हवा भी है साथ में, और हम भी चल लेते हैं जल्दी से अंदर, यहाँ सूख रहे हैं हमारे कल के कपड़े, कर लेते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट, जल्दी दूध गर्म कर लेती हूँ और साथ में दे देती हूँ सबको, मिलते हैं ब्रेकफास्ट करके। आ जाइए फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हमारा तैयार है।
गए आप सब। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे घर में, और मैं कराने वाली हूँ आज होम टूर। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपना घर, आइए। तो ये फ्रेंड्स, ये है हमारा बेडरूम। तो हम करते हैं शुरू दिखाना बेडरूम से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा सामने टीवी रखा हुआ है, ये इधर टेबल लगे हुए हैं, क्योंकि सामान वगैरह रखने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए यहाँ पर भी। तो ये जैसे फ़ोन रखने होते हैं या कुछ और छोटा मोटा सामान रखना होता है, वो मैंने इधर रखा हुआ है। और ये देखिए, देख लीजिए आप बेडरूम, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कवर्ड। मैं दिखा देती हूँ आपको कबर्ड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें लगाए हुए हैं कपड़े। एक साइड में मैंने कपड़े लगाए हुए हैं, दूसरी साइड में और बाकी का सामान लगाया हुआ है। तो इधर लगे हुए हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े, इधर हम दोनों के कपड़े लगे हुए हैं, और इधर हैं दोनों बच्चों के कपड़े। और बाकी नीचे मैंने बैग वगैरह रखे हुए हैं, जो अपना एक्स्ट्रा सामान है वो रखा हुआ है। बैग्स जो छोटे हैं बड़े हैं सब बैग अपना इसी में रख दिए हैं। तो देखिए इसमें सर्दी के गर्मी के सब कपड़े हैं, ज़्यादातर तो खैर अब सर्दियों के ही निकले होते हैं। और ये दिखा देती हूँ मैं बच्चों का सामान, इसमें बच्चों का सामान ज़्यादा है। ये देखिए इधर, और ये भी दिखा देती हूँ, इसमें बुक्स वगैरह रखी हुई हैं। देखिए बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, कुछ दवाइयां भी रखी हुई हैं इसमें। तो ये दिखा दिया मैंने आपको कवर। तो ये देख लिया है आपने बेडरूम। अब हम चलेंगे फ्रेंड्स दूसरा रूम देखने के लिए। तो चलिए, ये रखा हुआ है शूज का स्टैंड। ये देखिए मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है इधर, ये छोटा सा। और फ्रेंड्स ये आ गए हम स्टडी रूम में, ये है हमारे बच्चों का स्टडी रूम, इसी में करते हैं बच्चे पढ़ाई। और ये टॉयज वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के, बाबू छोटा के। और अगर आपने मेरा फैमिली इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, आपको पता चल जाएगा बाबू छोटा कौन है, आप जान जाओगे मेरी फैमिली के बारे में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मंदिर। ये बच्चों के टॉयज रखे हुए हैं, डॉल वगैरह रखे हुए हैं, बोर्ड है। ये है हमारा मंदिर। अब चलते हैं बाथरूम की ओर। इधर है हमारा बाथरूम, ये आ गए हम इधर। ये फ्रेंड्स, ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है इधर, बाकी सामान रखा हुआ है। चलते हैं बाहर। अब हम चलते हैं ड्राइंग रूम में, क्योंकि रूम हम दिखा चुके हैं। ये आगे हम ड्राइंग रूम में, ये देखिए फ्रेंड्स, इधर ही फ्रिज रखी हुई है और बाकी टेबल रखे हुए हैं इधर। बच्चों को कभी पढ़ाई करनी होती है या हस्बैंड को काम करना होता है अपना, तो एक टेबल इधर रखा हुआ है, ये देखिए। और अब हम चलते हैं किचन में। ये आ गए हैं अब हम किचन में, ये देखिए। और वैसे पहले भी आप किचन देख चुके हैं, अगर आपने मेरा किचन पे जो मैंने क्लीनिंग का वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा है तो आप पहले किचन देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। ये देखिए सारा एक्स्ट्रा सामान मैंने ऊपर लगाया हुआ है उसमें, बाकी अपने ज़रूरत का सामान इधर है। जो कभी कभी जरूरत पड़ती है तो इधर रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा सामान है थोड़ा जो हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है। ये है एयर फ्रायर और फूड प्रोसेसर, जो कि फूड प्रोसेसर तो बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, बहुत काम आता है मेरे, जो कि सब्जी बनानी है या कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी है मुझे, जो सब्जियाँ बारीक बारीक चॉप करनी होती हैं, तो बहुत काम आता है। जो काम देर के होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं,
ये हो गई हमारी किचन। अब फ्रेंड चलते हैं हम छत पे। तो ये आ गए अब हम छत पे जी। धूप तो है नहीं आज, लेकिन आपको दिखाते हैं हम छत। ये सारे कपड़े कल धुले थे मैंने, कल के कपड़े सूख रहे हैं, ये उतार दिए थे कल, तो ये दोबारा सुखा दिए हैं। और ये हैं हमारे पौधे, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। बाकी के डब्बे और बोतल वगैरह सूख रहे हैं, जो कि मैंने धुल के साफ किए थे। और ये गमले हैं, और ये है हमारे कबूतरों का खाना, बाजरा और पानी। फ्रेंड्स मैं दिखाऊंगी कभी आपको, जब खाते हुए होंगे कबूतर, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स घर आपने देख ही लिया है, और कैसा लगा आपको हमारा घर ये कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अब कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।